फिर रात को जब आपके बीच में आए और आकर के उन्होंने रात को जब आपसे आग्रह किया कि मेरे पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वासुदेव शर्मा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजना, आप लोगों ने चौधरी देवीलाल की उस बात को ना केवल फूल चढ़ाने का काम किया बल्कि वासुदेव शर्मा को भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम किया। आज चुनाव की घोषणा हो रही है और आज चुनाव के इस समय में पार्टी की तरफ से भी मान करके चलो कि ये पहली सभा है और गांव के अंदर हजारों की संख्या में बुजुर्ग शामिल हो, नौजवान शामिल हो, माताएं और बहनें आए और फिर मान करके चलो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चौधरी देवीलाल को आपने आशीर्वाद दिया था, आज मैं भी आपके बीच में चौधरी देवीलाल की नीतियों की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे चौधरी देवीलाल की नीतियों को इस प्रदेश और देश में लागू किया जा सके, कैसे चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके चौधरी देवीलाल को आदर्श मान करके उनके सपनों को साकार किया जाए, उसके लिए आज आपसे आशीर्वाद मांगने आए। आज आपसे जहां आशीर्वाद मांगने आए वहीं आपसे सहयोग मांगने आए हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस तरह चौधरी देवीलाल के एक आह्वान के ऊपर आपने पूरे गांव को एक साथ खड़ा करके एक एक वोट उनके कहने पे डॉक्टर वासुदेव को जिता करके भेजा था, उसी तरह से पार्टी की तरफ से इस लोकसभा के चुनाव में जिस किसी को भी महेंद्रगढ़ और भिवानी के लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना करके भेजा जाए, आप उसको अपना एक एक वोट उसके पक्ष में डाल करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके गांव से भेजना। जहां पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भेजोगे, आज के जो देश के हालात हैं, आज जिस किस्म के राजनीतिक चर्चाएं देश में चल रही है, आज रोज आप अखबार पढ़ते हो, टेलीविजन देखते हो, इस बात को लेकर के देश में बड़ी बहस हो रही है कि आने वाले समय में कौन सत्ता में आएगा, कौन इस देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, इसको लेकर के लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, कयास लगाते हैं और लोग जब चर्चा करते हैं तो 100% आखिर में नतीजे पे पहुंच करके ये बात कहते हैं कि इस देश के अंदर मिलीजुली सरकार बनेगी, इस देश में किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। पिछली बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए देश में बहुमत देकर के चुना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे करने का काम किया था। वायदा किया था 15-15 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो जाएंगे, वायदा किया था 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार और नौकरी दे देंगे, वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान को मालोमाल कर देंगे। जहां लोग कांग्रेस को देश की सत्ता से दूर करना चाहते थे, जहां लोगों ने यह फैसला कर लिया था कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात पे विश्वास और भरोसा करके इस देश की सत्ता सौंपने का काम किया और सत्ता में आए हुए आज 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को हो गए। लोग ये उम्मीद करके मानते थे, ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, लोगों ने अच्छे दिन के लिए जहां अपना वोट दिया, मत दिया, जहां सरकार बनाई, वहीं पिछले 5 वर्ष में इस देश के हर वर्ग के लोगों को इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मायूस करने का काम किया। आज ऐसे हालात हैं कि आने वाले समय में भाजपा अकेले अपने बलबूते पे सरकार बना नहीं सकती, कांग्रेस का जन आधार लगातार खत्म होता जा रहा है। आज तो
जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से आज देश को समझ सकते हैं, उन लोगों का कहना है कि अब की बार एक एक मेंबर पार्लियामेंट की कीमत 10-10 के बराबर होगी। अगर आपने अपना यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता करके भेजा और अगर हमारा सांसद लोकसभा में इस क्षेत्र से जीत करके गया तो 2% मान के चलो इस किस्म के हालात के अंदर उस सांसद की भी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत पार्लियामेंट में आपको दिखाई देगी। ना केवल वो एक ताकतवर मेंबर पार्लियामेंट होगा बल्कि इस देश में सत्ता के अंदर उसकी एक बड़ी हिस्सेदारी भी हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि जहां सत्ता में आप अपनी हिस्सेदारी करो वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को देश में लागू कराया जा सके, इसके लिए अपने यहां से जिस किसी को पार्टी प्रत्याशी बना करके भेजे उसको जिता करके भेजना। हम तो ये मान के चलते थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराएंगे, लेकिन 100% ये मान करके चलो कि आज की हरियाणा प्रदेश की सरकार जो इस बात से कहीं भयभीत हो गई थी, डर गई थी कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा दिया तो जैसे लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से दूर किया था, भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर कर दें। अब जाते जाते सरकार लोगों के बीच में तरह तरह के वायदे करती है और फिर लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मतदाता हमारे प्रदेश का आज इतना समझदार है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के झांसे में ना आकर के आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर से प्रदेश में सरकार बने, इसके लिए 100% अपना एक एक वोट एक एक मोर एनएफ के निशान को लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिता करके इस प्रदेश की सत्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंपने का काम करे। मैं बधाई देता हूँ आपको, आपके इस नौजवान बेटे को जिसने हंसी की रैली के अंदर आप सबको गांव से सैकड़ों की संख्या में अपने साथ ले जाकर के जहाँ उस रैली को विश्व की सबसे बड़ी रैली बनवाने में अपनी भूमिका निभाने का काम करा, वहीं आप लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के रूबरू करने का काम किया, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप रैली में बड़ी संख्या में आए। आज फिर आपके गांव के अंदर आपकी एक साथी लीला सनोफ गोरखाराम जी सहरावत जो अपने पूरे परिवार के साथ आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 30 घरों का जो परिवार है वो 30 के 30 घर आज आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। और मेरे सर पे जो पगड़ी आपने पहनाई, मैं आप लोगों से एक वायदा करता हूं कि मैं आपकी इस पगड़ी को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, कभी इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा और ना इस पगड़ी पे किसी किस्म की हान चाने दूंगा। मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का खून है, मैं आपकी इस पगड़ी की इस आन मान शान जो आपने मुझे सौंपी इसको सदा इस देश में प्रदेश में एक बड़ा सम्मान देने का काम करूंगा। जो पगड़ी आपने मुझे पहनाई, मैं ये पगड़ी हमेशा इसको बड़ा मान सम्मान दूंगा। इस पगड़ी को आज लाला के सर पे पहना करके इनसे भी कहूंगा कि आप भी अब ताउम्र चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम करना, ये आपसे उम्मीद और भरोसा करूंगा। और इनके साथ साथ आज दादरी के भी एक नगर निगम के पार्षद हैं भाई आनंद महराणा जी, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो भी आज आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी जो दादरी से चल करके आपके बीच में जिला पार्षद है ना, नगर पार्षद जो आज आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और जहां इनका स्वागत करता हूं वहीं से उम्मीद करता हूं ये भी पार्टी को मजबूत बनाने में अब और साथियों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। मैं बात कर रहा था कि किस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी
और किस तरह से प्रदेश के अंदर भी लुभावने नारे देकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं प्रदेश में सत्ता हासिल की थी। यहाँ पे भी बड़े बड़े नारे दिए गए थे, बड़े बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए। 4.5 वर्ष में ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की और ना ही हरियाणा प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी दी गई। कहीं ना कहीं आपके बच्चों के रोजगार और नौकरी को कैसे रोका जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से रोजाना नई नई योजनाएं बनाने का काम किया गया। यहाँ साथियों, किसान को इस प्रदेश और देश की सरकार ने कमजोर करने का काम किया, वहीं इस देश में प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा स्पोक्समैन के रूप में काम करके ताकत दी थी। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, आज वो भी सरकार से दुखी और परेशान है। आज कर्मचारी उससे भी ज्यादा दुखी और परेशान है। आज लोग सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए आपसे नम्र निवेदन करने आया हूँ, जहाँ लोगों की भावनाओं को आप पूरा करवाने का काम करें, वहीं आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम करें, ताकि देश और प्रदेश में आने वाले समय में आपकी सत्ता में बड़ी भागीदारी हो सके। मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बात करूं, लेकिन अभी 2 कार्यक्रम भिवाड़ी के और हैं, उनमें भी जाना है। उसके बाद शाम को गुड़गांव में एक कार्यक्रम रखा, उसमें भी जाना है। आप लोगों ने बड़े लंबे समय तक बैठ करके इम्तिहान के साथ सारी बात मेरी सुनी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपकी पार्टी को संसद को मजबूत करने में आप बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। एक बार फिर भाई विशाल गरेवाल का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, किसने आप सबको यहाँ निमंत्रण देकर के बुलाया और मुझे छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को आप लोगों के रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए मैं इसका भी आभारी हूँ और आपका भी इस बात के लिए आभारी हूँ कि आप बहुत लंबे समय से यहाँ पे बैठे हो। इससे मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ कि आने वाले समय में आप बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।